क्या आप एक जियोलॉजिस्ट हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में काम करने, रहने या स्टडी करने के इच्छुक हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रेलिया में जियोलॉजिस्ट के करियर स्कोप और प्रोफाइल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आपके अपने अंतर्राष्ट्रीय इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल्स के लिए स्किल्स और करियर स्कोप पर हमारी वीडियो सीरीज में हम एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। इस वीडियो में हम जियोलॉजिस्ट से एक ऑस्ट्रेलियाई एम्प्लॉयर की जॉब प्रोफाइल से संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जानेंगे। हम जियोलॉजिस्ट के लिए उपयुक्त उन इंडस्ट्री सेक्टर्स को देखेंगे यहाँ जियोलॉजिस्ट को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हम जियोलॉजिस्ट के प्रोफाइल पर ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए न्यूनतम एजुकेशन और एक्सपीरियंस की जरूरतों को भी देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आपके प्रोफाइल के लिए स्किल लेवल, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरतें हैं। हम जियोलॉजिस्ट के प्रोफाइल पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो और मुख्य आयु वर्ग पर भी चर्चा करेंगे। करंट जॉब ओपनिंग्स, पिछले 5 सालों का एनालिसिस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और करियर स्कोप भी इस वीडियो में चर्चा का विषय रहेंगे। हम जियोलॉजिस्ट के औसतन साप्ताहिक वर्क आवर्स और वेज रेट या तनख्वाह की भी चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड में हम आपको अलग अलग वीजा ऑप्शंस के बारे में बताएंगे जिनमें मुख्य हैं ऑस्ट्रेलिया में काम करने, परमानेंट रेजिडेंसी पाने और इस प्रोफाइल पर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के वीजा ऑप्शंस। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। अब आपका और समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पे। ऑस्ट्रेलिया में हर व्यवसाय के लिए एक स्पष्ट तथा सुलझा हुआ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बनाया गया है जिसे एक कोड के द्वारा नामांकित किया जाता है। इस कोड को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन या ANZSCO कोड कहा जाता है। यह ANZSCO कोड आपको किसी भी प्रोफेशन में आपकी जिम्मेदारियां तथा जॉब रोल के बारे में जानकारी देता है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय स्टैटिस्टिक्स एजेंसी ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ABS इन कोड्स के रचयिता हैं और ABS के द्वारा ही इन कोड्स को समय समय पर इवैल्यूएट और रिवाइज किया जाता है। तो चलिए अब आपके व्यवसाय के ANZSCO प्रोफाइल डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। जियोलॉजिस्ट के प्रोफाइल का ANZSCO कोड 234411 है। ABS के ओरिजिनल कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने के लिए प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन और कुछ दूसरे तथ्यों को हम यहाँ इंग्लिश भाषा में ही दिखाएंगे ताकि उनकी ओरिजिनलिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। जियोलॉजिस्ट स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड अदर फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द अर्थ टू इंक्रीज साइंटिफिक नॉलेज एंड टू डेवलप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन फील्ड्स सच एज मिनरल एक्सप्लॉयटेशन, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ लैंड आफ्टर माइनिंग। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत से इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं जहां आपके प्रोफाइल के कैंडिडेट्स के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हैं। आइए एक बार कुछ जरूरी जॉब सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं। जियोलॉजिस्ट के प्रोफाइल पर काम करने वाले ज्यादातर कैंडिडेट्स मुख्य रूप से माइनिंग, प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सेफ्टी में कार्यरत हैं। ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग व्यवसायों में आवश्यकता के हिसाब से एम्प्लॉयर्स की शिक्षा से जुड़ी विभिन्न मांगे हो सकती हैं और आपका स्किल लेवल ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से तय होता है। एक जियोलॉजिस्ट के प्रोफाइल पर काम करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री या बराबर की अन्य योग्यता जरूरी है और जियोलॉजिस्ट का स्किल लेवल 1 है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हिसाब से इस ग्रुप के जॉब लेवल में बैचलर डिग्री और हायर क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ केसेस में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जगह पर आपका 3 से 5 वर्ष का संबंधित एक्सपीरियंस भी काम आ सकता है। अन्य कुछ मामलों में आपको एक्सपीरियंस के साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग की जरूरत भी हो सकती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड इमिग्रेशन वीजा के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको माइग्रेशन स्किल्स असेसमेंट की जरूरत रहती है।
जो आपके प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग असेसमेंट बॉडीज के जरिए की जाती है। हर असेसमेंट बॉडी का अपना अलग असेसमेंट क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस की अलग अलग जरूरतें होती हैं। अगर आप जियोलॉजिस्ट के प्रोफाइल पर स्किल असेसमेंट फाइल करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ष एक्सपीरियंस की जरूरत है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सपीरियंस की ये रिक्वायरमेंट सिर्फ स्किल असेसमेंट के लिए मान्य है, परंतु एम्प्लॉयज की जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इससे अलग हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किस उम्र के लोगों की ज्यादा हिस्सेदारी है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से आपके प्रोफाइल पर जॉब करने वाले लोगों का मेन एज ग्रुप 25 से 34 वर्ष है और औसतन आयु 44 साल है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अलग अलग व्यवसायों में पुरुषों और महिलाओं की गिनती तथा रेशियो काम के हिसाब से अलग अलग होती है, तो आइए अब आपके प्रोफाइल में पुरुष तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो पर नजर डालते हैं। जियोलॉजिस्ट में महिलाओं का 25.6% हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर प्रोफाइल्स में काम करने का नियत समय एक सा नहीं है और ज्यादातर स्किल्ड वर्कर्स फुल टाइम या पार्ट टाइम बेसिस पर काम करते हैं। फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करने पर आपका वेतन हफ्ते या घंटों के हिसाब से तय किया जाता है। अगर हम आपके प्रोफाइल की बात करें तो जियोलॉजिस्ट के प्रोफाइल के 25.6 लोग फुल टाइम काम करते हैं। इस फील्ड में फुल टाइम काम करने वालों के लिए हफ्ते में एवरेज काम करने का टाइम 43.1 घंटे है। जॉब ओपनिंग्स की गिनती कंपनी टर्नओवर और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के ऊपर निर्भर करती है। पिछले 5 सालों तक के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस फील्ड में एक्सपेक्टेड जॉब ओपनिंग्स 5001 से 10,000 के बीच हैं। जियोलॉजिस्ट के केस में यह गिनती औसतन 17 पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंक अच्छी वृद्धि दर प्राप्त कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे काम हैं जहां एप्लिकेंट्स को अपने प्रोफाइल से जुड़े लाइसेंसिंग बॉडी से लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है। अगर हम जियोलॉजिस्ट के प्रोफाइल की बात करें तो इस प्रोफाइल के लिए हमें लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन की कुछ केसेस में जरूरत नहीं है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर एवरेज वीकली अर्निंग को स्टडी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में सभी व्यवसायों की औसतन साप्ताहिक आय 1300 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स है। एबीएस के हालिया सर्वे के मुताबिक जियोलॉजिस्ट का औसतन साप्ताहिक वेतन टैक्स डिडक्शन से पहले 2341 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स है, जिसमें से आपके सैलरी स्लैब के अनुसार टैक्स की कटौती करी जाती है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो प्रोसेस शुरू करने के लिए पहला कदम माइग्रेशन स्किल असेसमेंट है। इसके अलावा कुछ केसेस में जैसे वर्क परमिट या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद प्रोफेशनल ईयर शुरू करने के लिए आमतौर पर माइग्रेशन स्किल असेसमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न प्रोफाइल कैटेगरीज के लिए अलग अलग असेसमेंट बॉडीज हैं। जियोलॉजिस्ट के लिए माइग्रेशन स्किल असेसमेंट वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग असेसमेंट सर्विसेज VETASSESS के द्वारा की जाती है। अगले सेक्शन में हम ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने जॉब पोर्टल को भी देखेंगे। यहां आप अपने प्रोफाइल से जुड़े विभिन्न रोजगारों के लिए मौजूदा ऑप्शंस को देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें सब्सक्राइबर टारगेट 50,000 चैलेंज को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें। कृपया अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वर्ष के अंत तक 50,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव करने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करें। हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं और अगर हमें इस वीडियो पर 100 लाइक्स मिलेंगे
तो हम आपके लिए इस प्रोफाइल के पीआर प्रोसेस और वीजा फाइलिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। क्या आप ऑस्ट्रेलिया में नौकरी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं? अगर आप फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हैं या फिर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या किसी अन्य जगह से भी किसी ऑस्ट्रेलियन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल के रूप में आपके लिए सबसे कठिन कार्य जॉब ऑप्शंस ढूंढना तथा सही तरीके से जॉब के लिए अप्रोच करना होता है। एक अच्छी ऑस्ट्रेलियन जॉब प्राप्त करने के सफर में कई जरूरी स्टेप्स शामिल होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन स्टाइल रिज्यूम बनाना, कवर लेटर तैयार करना, उचित जॉब पोर्टल खोजना, अपने सेक्टर की जॉब्स के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करना तथा ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यूज के लिए तैयारी करना। अपना बायोडाटा तथा रिज्यूम तैयार करने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर वास्तव में आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया रिज्यूम रिक्रूटर का ध्यान खींच सकता है और आपको अन्य उम्मीदवारों से श्रेष्ठ दिखा सकता है। सक्रिय भाषा, कीवर्ड्स और कुछ छोटे बदलावों का सही जोड़ किसी भी आम रिज्यूम को विजेता में बदल सकता है। अगर आप एक प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल रिज्यूम तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी एक्सपर्ट रिज्यूम राइटिंग टीम की सेवाएं ले सकते हैं या हमारी रिज्यूम से संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक परफेक्ट रिज्यूम लिखने की जानकारी उपलब्ध है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जॉब एक्टिव नाम से रोजगार ढूंढने के लिए एक विश्वव्यापी सेवा दी है। अपने डेडिकेटेड पोर्टल www.jobsearch.gov.au के जरिए जॉब एक्टिव एम्प्लॉयर्स और जॉब्स ढूंढने वाले दोनों की मदद करता है। बिना किसी फी के ये आपके लिए सही नौकरी ढूंढ सकता है। इसके अलावा आप हमारी टीम के साथ अपना CV भी साझा कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों के हमारे वैल्यूएबल नेटवर्क को आपके लिए उपयुक्त अवसर खोजने के लिए हमारी टीम से मदद ले सकते हैं। एडजुना, करियर वन, करियर जेट और इंडीड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन नौकरी खोजने के लिए कुछ दूसरे पसंदीदा नाम हैं। इसके अलावा टॉप 15 जॉब पोर्टल्स की एक डिटेल्ड लिस्ट भी डाउनलोड करें, जहां आप अपनी प्रोफाइल के लिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे सूटेबल एम्प्लॉयमेंट का अवसर पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंसी या वर्क परमिट्स पाने के लिए उपलब्ध वीजा सब क्लासेस के बारे में संक्षेप में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से पाथवे प्रोग्राम्स और वीजा सब क्लासेस हैं, जिनके जरिए एक प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट या परमानेंट रेजिडेंसी पा सकता है। इन वीजा सब क्लासेस को मुख्य रूप से निम्नलिखित कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो हैं: स्किल्ड माइग्रेशन वीजा, सब क्लास 189 यो की परमानेंट रेजिडेंसी पाने की डायरेक्ट सब क्लास है; स्टेट या रीजनल नॉमिनेशन वीजा, सब क्लास 190 और 491 यो स्टेट नॉमिनेशन के द्वारा PR तथा TR पाने के रास्ते हैं; परमानेंट रेजिडेंस स्किल्ड रीजनल वीजा, सब क्लास 191 और 887 यो की 491 तथा 489 की कंटिन्यूटी में PR पाने के रास्ते हैं; एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, सब क्लास 186, 187, 482 और 457, जिनके द्वारा आप एम्प्लॉयर से सीधी स्पॉन्सरशिप या नॉमिनेशन के थ्रू PR तथा वर्क परमिट प्राप्त कर सकते हैं; बिजनेस इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम वीजा, सब क्लास 888 और 188, जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में इन्वेस्ट करके या फिर किसी इनोवेटिव आइडिया यो की ऑस्ट्रेलिया को इकोनॉमिकली तथा सोशली हेल्प कर सके के द्वारा PR तथा वर्क परमिट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टारगेटेड सेक्टर्स के लिए ग्लोबल टैलेंट वीजा और सब क्लास 476 स्किल्ड रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट वीजा एक अन्य विकल्प है। इनमें से ज्यादातर वीजा एप्लिकेंट्स को काम करने का अवसर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया में हमेशा के लिए सेटल होने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। हालांकि ये वीजा आमतौर पर उपलब्ध तो रहते हैं, लेकिन हर ऑक्यूपेशन के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि जियोलॉजिस्ट के प्रोफाइल के लिए कौन से वीजा सब क्लासेस खुले हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप जियोलॉजिस्ट के लिए PR फाइलिंग पर बनी हमारी डेडिकेटेड वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका टाइटल ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी एंड वर्क वीजा फाइलिंग प्रोसेस फॉर जियोलॉजिस्ट है। इस सीरीज में आपको जियोलॉजिस्ट के लिए परमानेंट रेजिडेंसी फाइल करने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। वीडियो में आप चर्चा करने वाली अगली बात ऑस्ट्रेलिया में स्टडी और सेटल होने के लिए उपलब्ध वीजा विकल्प और वीजा सब कैटेगरीज हैं। तो आइए इसकी एक संक्षिप्त झलक देखते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और जियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई और सेटल होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है। एक स्टूडेंट सब क्लास 500 के तहत अपना स्टडी वीजा फाइल कर सकता है।
हर स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और सब क्लास 485 के तहत पढ़ाई खत्म करने के बाद वर्क परमिट भी मिलता है, जिसे पोस्ट स्टडी वर्क वीसा कहा जाता है। अगर आप स्टडी वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं और अपने लिए बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो स्टडी वीज़ा से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए हमारी टीम ने अलग अलग ऑथेंटिक सोर्सेज से जानकारी को इकट्ठा करने और वेरीफाई करने में कड़ी मेहनत की है। अगर अब तक की वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई है और भविष्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए आप हमारी टीम को अप्रिशिएट या प्रेरित करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इमिग्रेशन से संबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। हमारे माहिर कंसल्टेंट्स आपकी प्रोफाइल के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। इस एक्सपर्ट सेशन से आपको हर मुमकिन इमिग्रेशन ऑप्शंस को ढूंढने में मदद मिलेगी। हम आपको आपके प्रोफाइल से जुड़ी हकीकत और आंकड़ों के साथ हर सच्चाई बताएंगे। अगर आप तसल्ली से अपने इमिग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुकिंग लिंक पर क्लिक करें और अपना एक्सपर्ट सेशन रिजर्व करें। हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की इमिग्रेशन की सेवाओं के साथ उन्हें वन स्टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं। आप हमारे इमिग्रेशन में माहिर टीम के जरिए ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन, माइग्रेशन स्किल्स असेसमेंट की एप्लीकेशन फाइलिंग और सभी तरह के वीजा प्रोसेसिंग में मदद पा सकते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में कंपनीज को विदेशी मैनपावर हायर करने तथा वर्क और दूसरे वीजा की फाइलिंग व अन्य संबंधित एक्टिविटीज में भी मदद करते हैं। इसलिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो हम आपकी कंपनी के लिए बेस्ट सूटेबल एम्प्लॉइज ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने स्किल असेसमेंट और इमिग्रेशन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी की असेसमेंट खुद से करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और अपनी सेल्फ असेसमेंट खुद चेक करने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड करें। अपनी प्रोफाइल के बारे में और जानकारी के लिए हमारे वर्क वीजा, इमिग्रेशन और स्किल्ड माइग्रेशन की फाइलिंग से जुड़े सभी वीडियोस देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। दुनिया भर की इमिग्रेशन की ताज़ा और सच्ची जानकारी जानने के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको ऑस्ट्रेलिया में आपके करियर की अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।